ये इंडियन मीडिया को हुआ क्या है, रियल मैटर क्या है, उसे छोड़ के बकचोदियों में घुसे रहते हैं। सीमा हैदर इंडिया में घुस गई, उससे ये नहीं पूछ रहे बहन तू घुस कैसे गई, तेरी मदद किसने की। उनके दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा कि क्या पता ये एजेंट हो, कोई स्पाई हो। उससे जाके ये पूछ रहे कि तुम्हें कौन सा गाना पसंद है, जरा सुनाना तो। इनके मुंह में ऐसे सवाल आ कैसे जाते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में। वैसे तो इसको सब जानते होंगे क्योंकि आजकल यही चर्चाओं में है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में रहने वाली एक महिला है जिन्हें पबजी खेलते हुए इंडिया के एक लड़के से प्यार हो गया और उनके लिए बॉर्डर पार करके इंडिया में घुस गई। कितना आसान है ये सब करना, जैसे बॉर्डर ना हो, पड़ोसी की दीवार हो, कि टाप के पड़ोसी की बेटी से मिलने चले गए। अरे बहन जो पड़ोसी ही पकड़ ली तो मार मार के गांड तोड़ देता है, और अपनी सरकार सीमा हैदर को कुछ कह ही नहीं रही है। ऊपर से मीडिया उसकी तारीफों की पुल बांध रही है कि एक महिला अपने प्यार के लिए बॉर्डर क्रॉस करके आई। अरे बहन जो दिल्ली में घुसी है, इंडिया की कैपिटल। सोचो पबजी की बात करते करते अगर रियल पबजी बना दिया तो, ये तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है? कम से खुल के तहकीकात ही करने दो, उनकी मदद करो, गवर्नमेंट ने प्रेशर बनाओ कि इसकी तहकीकात करे घुस कैसे गई। लेकिन अपनी मीडिया अलग ही नशे करके बैठी हुई है, सीमा हैदर को रातों रात स्टार बना दिया, उसकी तारीफें की जा रही हैं। अबे थोड़ा ये तो सोचो कि कोई इल्लीगल तरीके से अंदर घुसा है, आतंकवादी भी हो सकता है, स्पाई भी हो सकता है। आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। शायरिया। लेकिन नहीं, इनको तो इससे गाने सुनने, शायरी सुननी है। अबे तुमसे अच्छा तो ये आंटी है जिनने सचिन को जिंदा रोस्ट कर दिया। पाकिस्तान जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो नई पीढ़ी हमारी बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी ना, फिर तो उनको ये लगेगा कि हम तो पाकिस्तान से बहुलाएंगे और भी ज्यादा। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना झिंगुर सा लड़का। यहाँ मैच में पाकिस्तान की लड़कियाँ देख देख के इंडिया के लड़के बावरे हो रहे थे। ओ गॉड, एक बार दिला दे। और पाकिस्तान की लड़की मिली भी तो किसे, सचिन को। लौंडा नहीं है, 50 लौंडे हैं सीमा के। ऐसे दिखने में आपको कैसी लगती थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी यार, बहुत अच्छा फिगर था उनका। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी जी, यहाँ पे देखा था मैंने एक मर्तबा। बिना प्यार के उसने 4 बच्चे पैदा कर लिए। और मैं एक बात याद रखना, मैं अभी खुल्लम कह रहा हूँ इंडिया के लोग, जो उसका शोर है उसका नाम क्या है जो इंडिया में, सचिन, सचिन ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। ये भगवान क्या जुल्म है। अब भारत आ गई तो पाकिस्तान में हलचल बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े। ये रिपोर्टर को कैसे एक्सप्रेशन दे रही है? Naughty America. Nobody does it better. सही कह रहे थे इसके मुल्क वाले, इसका चक्कर सबसे चल रहा था, दूध वाला, कुरकुरे वाला। जब पाकिस्तान के सारे लॉन्डों से मन भर गया तो इसने सोचा मुल्क चेंज करते हैं, नए लड़कों से सेटिंग करते हैं। तो इंडिया में जो सबसे पहले हाथ लगा उसी से सेटिंग कर ली। वरना तुम्हें इस बंदे की शक्ल देख के लग रहा कि इसने कभी गर्लफ्रेंड का सुख लिया होगा। लप्पू सा सचिन है। और जो इसकी हालत है ना, कुपोषण की वजह से नहीं है भैया, हिला हिला के हुई है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। बस इसीलिए सीमा ने इससे सेटिंग की, क्योंकि जब लॉन्डो में भुखमरी आती है तो ये नहीं देखते सिंगल है, मैरिड है, 4 की माँ है, किस मुल्क की है। उन्हें चाहिए लड़की, और वो भी जिंदा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और अपना मीडिया इनके प्यार के चर्चे पूरे दुनिया में फैला रहा है, एक बार ये नहीं सोच रहा कि जासूस हुई तो। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब इनके जब इनके पति 4 से दुबई से वापस नहीं आए तो ये 2 का बच्चा कहाँ से आया? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आपके सचिन, सचिन को जानती हैं आप? हाँ, मेरे पापा हैं आपके। और जो एक आपके एक और पापा हैदर हैं, वो मैंने नहीं है। नहीं है? मारते हैं हमको। मारते हैं आपको? क्यों मारते हैं आपको? गुस्सा आते हैं यार। इनकी तो कहानी में भी दम नहीं है। उसका बाप 4 से दुबई से नहीं आया है, बच्ची 6 की है, तो इसे मारा कब होगा? 2 की उम्र में, और उसे अभी तक याद है कि पापा तो बहुत मारते थे। अरे पापा, चल माँ हिंदी बोल ले समझ आता है, ये 6 की बच्ची हिंदी कैसे सीख गई? इसके तो अब्बू निकलना चाहिए था मुँह में, क्योंकि 4 तरफ से वही सुनती होगी। यार बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोत के बच्चे। और ये सब देखकर आजकल की जनरेशन क्या सीख रही है ये देखो। मैं तुम्हारा मोहन मीना, ये जो सचिन ने किया है सही किया है? बिल्कुल सही। ये पबजी खेल खेल के जो वहाँ के पाकिस्तान की लड़की को यहाँ पे लेके आए हैं, सही हुआ है? सही। भाभी को देखने गए? हाँ। तुम ऐसा कुछ करोगे? ये तो लेके आया है
पबजी से, मैं लड़ूंगा फ्री फायर से। और इस बंदी की कहानी पे तुम लोगों को यकीन कैसे हो रहा है भाई? पांचवी पास है, यहाँ से दुबई गई, दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया। हेलो है क्या? ये बंदी पाकिस्तान में अपना घर 12 लाख का बेच के आ गई। अब ऐसे बिकता है क्या घर बिना मालिक के साइन के? अब वहाँ पाकिस्तान में लोगों में खाने के लिए पैसे नहीं है, 12 लाख कैश किसने दे दिया इसे? यहाँ साले पढ़े लिखे लोगों का पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है, रिजेक्ट हो जाता है। इसने 4-4 पासपोर्ट बनवा लिए। चूतिया बनाया तुमको। ये बंदी बचपन से पाकिस्तान में पली बड़ी, और इसकी जुबान में, इसके लहजे में कहीं उर्दू आती नहीं है, उल्टा इंग्लिश के 2-4 वर्ड्स जरूर आ जाते हैं। जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये। इतनी अच्छी हिंदी बोल रही है कैसे? यहाँ अपने गढ़वाल का कोई 4 साल विदेश रह के आ जाए तो आते ही बोलता है बल वहाँ तो मजा आ गया। हैं पाकिस्तानी सेना में काम करते हैं, उनके बारे में कब उनकी नौकरी हुई और वो क्या करते हैं? कंफर्म तो मुझे याद नहीं है, उनको पता होगा पर 22 में ही हुए थे वो। और इसका तो सगा भाई आर्मी में है। भाई इतनी स्पाई मूवी देखते हो कि कैसे दूसरे मुल्क में घुसते हैं, उसके बाद भी तुम इस केस को हल्के में ले रहे हो? और यहाँ तो कोई रेंट पे भी रहने आता है तो उसका भी वेरिफिकेशन होता है। ये बंदी तो चोरी छुपे बॉर्डर क्रॉस करके आई है, अब उसका पति क्या कह रहा है, उसके मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं, उस पर ध्यान मत दो भाई। ये प्लानिंग प्लॉटिंग एक रात में नहीं हुई होगी, सालों से लगे होंगे, वो सबूत इकट्ठा कर रहे थे ताकि ये स्टोरी जेन्युइन लगे, लोगों को उस पर शक ना हो। तो मैं 27 साल की हूँ। लेकिन पासपोर्ट तो 21 बता रहा है। हर बात का जवाब इतना कॉन्फिडेंट होके देती है जो भैया एक आम नागरिक तो दे नहीं सकता, वो भी जो छिपके आया और 5 पास हो, फुल ट्रेंड है ये बंदी। तो भैया इतने सारे सबूत बहुत हैं उस पर शक करने के लिए, तो तहकीकात तो उसकी होनी चाहिए। इनकेस वो बंदी स्पाई ना भी हो तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए उसकी तहकीकात करनी जरूरी है। इस मैटर को हल्के में नहीं ले सकते, सीरियस लेना ही पड़ेगा, और साथ में सचिन को भी घेरे में लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बंदी जो इलीगल तरीके से अंदर आई है उसने उसको अपने घर पे जगह दी, और सिर्फ जगह नहीं दी, उसने उसकी हेल्प भी की बॉर्डर क्रॉस करने में। नेपाल से भारत में तो चेकिंग होती है बॉर्डर पर, वो आपने कैसे पार किया और कैसे आ पाई, किसकी आपने मदद ली वो, क्योंकि बहुत कठिन है? सचिन की मदद थी भाई। ये मैटर तो सबके सामने आ गया, इससे पहले सचिन ने ऐसे तो पता नहीं कितने लोगों को बाहर निकाला होगा, कितने लोगों को बॉर्डर क्रॉस करके अंदर लाया होगा। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चलता हूँ, बाय।